हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइट। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से पुली प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। पूरा टॉपिक शुरू से लेके एंड तक देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज के इस कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं पुली क्या है। पुली एक बहुत सिंपल मशीन है। अगर हम रोप की हेल्प से किसी चीज को पुल करना चाहते हैं, अगर बीच में हम पुली लगा दें, दैट प्रोसेस बिकम्स इजी फॉर अस टू पुल समथिंग। ओके, तो आज के इस कंसेप्ट के अंदर मैंने पुलिस को इन छह सिस्टम्स के अंदर कनेक्ट किया है। तो आज मैं आपको इन छह सिस्टम्स में पुली का क्या इफेक्ट है, पुली की वजह से रोप के अंदर क्या टेंशन आ रही है, किस एक्सेलरेशन से पुली मूव करेगी, वो सब चीजें बताऊंगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको जेईई मेंस एडवांस और नीट में बड़े आराम से देखने को मिलेंगे, और आते भी हैं, और बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आपने जो इंट्रोडक्शन के अंदर छह तरह के सिस्टम देखे, आपने उनमें से कुछ सिस्टम्स अपनी बुक्स में देखे होंगे, लेकिन कुछ सिस्टम अपनी बुक्स में नहीं देखे होंगे। पर हम आपको हर तरह का सिस्टम यहाँ पे कराएंगे, सो दैट आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। ये हमारे पास है सबसे पहला सिस्टम, जो बहुत बेसिक सिस्टम है, जिसको हम एटवुड्स मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो आज वाला कंसेप्ट जब मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज कि पुली इज फ्रिक्शनलेस, मासलेस, रोप इज इनएक्सटेंसिबल, एंड मासलेस। मीन्स ये जो आप रेड कलर की यहाँ पे रस्सी देख रहे हो, इसका अपना कोई मास नहीं है। प्लस इनएक्सटेंसिबल का मतलब है, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, तो ये रस्सी अपनी लेंथ से बढ़ नहीं रही, कांस्टेंट है इसकी लेंथ, वो लंबी नहीं होगी। देन उसके बाद पुली जो है फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस का मतलब आप अगर हल्का सा फोर्स पुली पे लगाएंगे तो पुली आपकी मूव कर रही है, पुली किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही मोशन को। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पहले मुझे ये बताओ, ये डायग्राम देख के आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कौन सा मास ऊपर जा रहा है और कौन सा मास नीचे आ रहा है? अब इन दोनों में से एक मास को नीचे जाना है और एक को ऊपर आना है, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अनलेस यू आर गिवन विच मास इज ग्रेटर। जो मास बड़ा होगा वो मास पुली को नीचे खींचेगा, वो मास रोप को नीचे की तरफ लेके जाएगा, और उसका जो अपोजिट मास है वो ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, जो M2 है दैट इज ग्रेटर देन M1, ओके, देन इन विच डायरेक्शन द पुली विल मूव? पुली विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो मास है इस रोप को नीचे की तरफ लेके जाएगा, मींस पुली इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एंड दिस मास इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ओके, नाउ देयर इज एन इंटरनल फोर्स एक्टिंग इनसाइड द सिस्टम। एक इंटरनल फोर्स है जो सिस्टम के अंदर एक्ट कर रही है, दैट इज एक्टिंग इन द रोप, विच इज कॉल्ड टेंशन। हमेशा सपोर्ट की तरफ एक्ट करती है। यहाँ पे देखो, ये जो रोप है वो पुली के ऊपर से निकल रही है, तो मतलब टेंशन आपकी इस तरफ होगी, दोनों तरफ। टी इज द टेंशन एक्टिंग इन द पुली, ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द पुली, राइट? सो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपसे क्या पूछा जाता है, जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो, और इस सिस्टम में रोप के अंदर क्या टेंशन लगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। अब इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट मेथड है, जितनी भी तरह की फोर्सेस सिस्टम पे लग रही हैं, सबको यहाँ पे शो कर दो डायग्राम के अंदर कि कौन सी फोर्स किस मास के ऊपर लग रही है, दैट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। चलिए तो देखते हैं कौन सी फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, लेट्स सी। सबसे पहले ये जो मासेस हमारे हवा में लटक रहे हैं, सबसे पहली फोर्स जो इन पे लग रही है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इनको अपनी तरफ खींच रही है, मींस वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सो जस्ट पॉइंट आउट एम टू जी हियर, एम वन जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट? अब ये मत देख के घबरा जाना कि इसमें एम वन एम टू लगे हैं, ए लगा है, टी लगा है। नो डाउट आपको एग्जाम के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी, जैसे M1 की वैल्यू कुछ 1 kg होगी, M2 की वैल्यू कुछ 2 kg होगी, तभी A और T जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में निकलेगा। ये जो सिस्टम है बेसिक सिस्टम है, अगर आप इसके ऊपर फोर्सेस लगी हुई देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कैसे फोर्सेस लगी हैं, तो आने वाले सिस्टम जो है वो समझने आपके लिए ईजी हो जाते हैं। तो मैं इसको जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है, जो बेसिक सिस्टम है, जो आपको आपकी बुक में भी मिलेगा क्लास 11 की,
तो इस सिस्टम को मैं M1, M2, A और T की हेल्प से सॉल्व करूंगा, टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूंगा, इनका फॉर्मूला निकालूंगा, ठीक है, सो दैट आपको पता चल जाए कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है। तब सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब ये मास नीचे को जा रहा है, मतलब ये जो M2G फोर्स है दैट विल बी ग्रेटर देन टेंशन। अगर दोनों फोर्सेस बराबर होती तो M2 जो है वो यही कांस्टेंट रहता, अगर टेंशन बड़ी होती तो M2 ऊपर की तरफ जाता। अब यहाँ पे क्या है, जो टेंशन है दैट इज स्मॉलर देन वेट, वेट बड़ा है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हम एक इक्वेशन देखते हैं, जो नेट फोर्स की इक्वेशन है वो क्या लगेगी, M2G बड़ा है तो बड़े में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M2 इज M2A। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स मूव टू द सेकंड इक्वेशन ऑन दैट इज अप्लाइड ऑन सेकंड मास। सो अब इस मास के लिए देखो, अगर टेंशन ज्यादा है M1 से तभी ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मतलब टेंशन बड़ी है। तो अब सेकंड ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन आएगी, इट विल बी टी माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ओके, अब देखिए इनको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर देना, या किसी भी लीनियर इक्वेशन को किसी भी लीनियर इक्वेशन के मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, किसी भी मेथड से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको एड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा जी, ये टेंशन से जो टेंशन है सीधा कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, M2G माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। ए मैंने कॉमन ले लिया है एडिशन में से तो इसलिए ऐसा हुआ। अब यहां से हम G को कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इस तरफ आ गया G और इस तरफ आ गया A। यहाँ पे ये नीचे M1 M2 कौन सा आया है, जो यहाँ पे M1 M2 मल्टीप्लिकेशन में है मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गया, बिकॉज जब मैं इक्वल्स टू की दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो योर एक्सेलरेशन बिकम्स M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो नाउ वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, नाउ लेट्स वर्क आउट फॉर द टेंशन। So I have written here mass. So the pulley is frictionless and massless. Please correct it. The pulley is frictionless and massless. अब क्या है, ये जो सिस्टम है मेरा Atwood's machine, इसके अंदर मुझे अगर टेंशन निकालनी है, how will I calculate? ये acceleration की वैल्यू दोनों equations में से किसी भी एक equation में put कर देते हैं, अपनी टेंशन निकल आएगी। So let's evaluate. This acceleration in first equation, my first equation was m2g minus t is equals to m2a. I'll substitute acceleration in this equation, it will become m2g minus t is equals to m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g, right? So let's solve it out. Now bring this term in the numerator this side and multiply both of them. So after simplifying all the brackets, we have opened the term. Now, what to do? Take this M1, M2G and place it together. अब यहाँ पे देखिए जो M2 square G है और M2 square G है, both are cancelling out. अब M1, M2G को एक तरफ ले जाइए और M1, T M2 को एक तरफ रखिए. To be M1, M2G plus M1, M2G is equals to T M1 plus T M2. Hence it will become 2M1 M2G is equals to T M1 plus M2, and it will give you this expression which is the value of tension. अब देखिए, या तो आप ये acceleration और tension का formula इस particular system के लिए याद रख लीजिए और जो भी M1 M2 की आपको value दी जाएगी वो directly इसमें put कर देना, तो आपका expression निकल आएगा। बट अगर आप ऐसे ही इक्वेशंस को रिजोल्व करके इस मेथड से इसको सॉल्व करते हो, दैट विल बी मोर इजी। कैसे, देखो आपको M1 और M2 की वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में दी जाएंगी, तो जैसे ही आप यहाँ पे M1G और M2G है ये रिप्लेस हो जाएंगे जो भी M1 M2 की वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं M1 की वैल्यू 1 दे देता हूँ और M2 की वैल्यू 2 दे देता हूँ,
और यहाँ पे ये बन जाएगा 1g 2g और जो भी इक्वेशन है वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में बन जाएगी। तो ये आपकी विश है आप कैसे करना चाहते हो, अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो वाई रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेज वाला मेथड है इट इज वेरी इजी और इससे कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फॉर्मूला आप भूल सकते हो पर अगर आप इसको रिजॉल्व करके इसी तरह सारी फोर्सेज रिप्रेजेंट करके इस मेथड से क्वेश्चन को कर दोगे ये कभी गलत नहीं होने वाला। अभी आपको मैं इसका एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में भी करवा के दे देता हूँ सो दैट आपके दिमाग में ये ना रहे कि पता नहीं न्यूमेरिकल फॉर्म जो है वो किस वे से बनेगी। तो लेट्स सी, यहाँ पे जो m1 की वैल्यू है मैं आपको देने वाला हूँ 2 kg और ये m2 की जो वैल्यू है ये मैं आपको देने वाला हूँ 4 kg राइट। तो अब ये जो m1g है इट विल बी रिप्लेस बाय 2g और ये जो m2g है इट विल बी रिप्लेस बाय 4g। अब देखो ये 4g जो है बड़ा है 2g से तो फोर्स इस तरफ ही यही वाला जो ब्लॉक है ये नीचे जाएगा और एक्सेलरेशन सेम वे से आएगी। तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिए, इक्वेशन विल बी 4g माइनस t इज इक्वल्स टू 4a, t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a, अगेन एड द दिस t विल कैंसिल आउट इट विल बिकम 4 माइनस 2 इट विल बी 2g एंड 4 टू 6a, सो योर आंसर विल बी 2g अपॉन 6 इज इक्वल्स टू a इट विल बी 1/3g इज योर एक्सेलरेशन राइट। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो आपको टेंशन मिल जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इट विल बी 4g माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 × 1/3g, तो जी वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, 4/3g इज इक्वल्स टू टी इट विल बी 8g इज इक्वल्स टू टी। अब जब आप इसको यहाँ पे पुट करते हो तो इक्वेशन क्या बनती है देखिए, अब अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मूला में पुट कर दूं तो यहाँ पे m2 का पुट करो 4, ये देखिए 4 − 2/6g सो इट विल बी 2/6g दैट विल बी 1/3। तो ये तो आ गया आपका फॉर्मूला से जो 1/3g आया अपना, यहाँ भी एक्सेलरेशन सेम आई है। अब अगर टेंशन की बात करें तो m1 है आपके पास 2 और m2 है 4, स्टूडेंट्स यहाँ से हमने एक चीज एनालाइज की कि ये इक्वेशंस बना के सॉल्व कर रहे हैं तब भी आंसर सेम आ रहा है, अगर मैं फॉर्मूलाज को लर्न करके सिंपल m1 m2 की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तब भी आंसर सेम आ रहा है। बट लर्निंग में एक प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आप m1 m2 को रिप्लेस कर जाओ या कोई टर्म आप भूल जाओ, तो इट्स बेटर कि आप इसी तरह से इसकी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के बाद ही इक्वेशंस बना के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इट विल बी इजी। तो ऐसे गलती होने के चांसेस जो है बहुत निग्लिजिबल है, आपका क्वेश्चन जो है सही जाएगा और टाइम की वेस्टेज भी नहीं होगी इतनी। तो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब मैं हमने अगले सिस्टम के ऊपर चल रहा हूँ, तो आइए देखते हैं हम अपना अगला सिस्टम, मेरा अगला सिस्टम क्या बोलता है। स्टूडेंट्स ये मेरा नेक्स्ट सिस्टम है जिसके अंदर मैंने अपनी एटवुड्स मशीन का जो मास था उसके नीचे एक मास और लगा दिया। अब देखो सबसे पहले तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ फोर्सेस लोकेट करनी है, जो मैंने लिखे 2, 2, 4 दीज आर द मासेस ऑफ दीज ब्लॉक्स 2 kg 2 kg एंड 4 kg राइट। अब सबसे पहले जो है इसके रोप के अंदर लगेगी टेंशन टी। अब देखिए ये जो रोप है ये सेम है जो पुली के ऊपर से जा रही है, तो जितनी टेंशन इस तरफ सेम टेंशन इस तरफ, मीन्स इफ दिस इज T1 दिस इज ऑल्सो T1 एंड नाउ द टेंशन एक्टिंग बिटवीन 2 and 4, ये 2 and 4 के बीच में जो टेंशन एक्ट कर रही है इट इज T2 राइट। सो नाउ अब देखो ये जो 2 ब्लॉक है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रही है इट इज 2g, अगेन दिस इज 4g और इसकी नीचे क्या लग रही है 2g राइट। अब ये जो रोप है ये जो 2 और 4 है ये रोप को स्ट्रेच करके नीचे लेके जा रहे हैं और ये जो 2 मास है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इन दिस वे। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक इक्वेशंस, ओके लेट्स सी हाउ। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज यहाँ पे एक ब्लॉक है तो यहाँ से मुझे आराम से टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इजी है यहाँ से इक्वेशन बनाना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब ये जो T1 है अगर टेंशन बड़ी है 2g से तभी ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या आएगी T1 − 2g इज इक्वल्स टू 2a। 2 और 4 ब्लॉक है ये दोनों मिलकर इसको नीचे खींच रहे हैं, तो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दिस 2 and 4 एज अ कलेक्टिव सिस्टम, मीन्स ये कितना मास हो गया 2 और 4 6 हो गया ना, मतलब 2g इसका और 4g इसका दोनों वेट कितने हो गए टोटल 6g हो गए, तो 6g फोर्स है वो इसको नीचे लेके आ रही है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, इट विल बी 6g − T1 इज इक्वल्स टू
सिक्स ए, इज इट ओके? ये बन गई हमारी इक्वेशन वन, ये बन गई हमारी इक्वेशन टू। अब बात आती है टेंशन टी टू की। अब टी टू टेंशन कैसे निकलेगी, अब टी टू की इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टेंशन टी टू एक्ट कर रही है, दिस इज एक्टिंग अपवर्ड टुवर्ड्स दिस ब्लॉक, सो इन दिस वे। तो अब इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन रहेगी अपनी, इट विल बी 4g माइनस टी टू एज दिस फोर्स, 4g इज ग्रेटर ना, तभी ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सो 4g माइनस टी टू इज इक्वल्स टू 4a, दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करके टेंशन T1, T2 और एक्सेलरेशन निकालनी है। लेट सॉल्व आउट, पहले हम फर्स्ट टू इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें दो अननोन और दो इक्वेशन है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। लेट्स डू इट। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप ऐड कर देते हो क्या मिलता है आपको, T1 माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A एंड सेकंड इक्वेशन इज 6G माइनस T1 इज इक्वल्स टू 6A। मैंने क्या बोला, इसको ऐड कर देते हैं क्या मिलेगा आपको, T1 से T1 कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, 6 माइनस 2G 4G इज इक्वल्स टू 8A, 4G इज इक्वल्स टू 8A। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4G अपॉन 8 इज इक्वल्स टू A, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी G by 2, राइट। अब इस G by 2 को सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, टेंशन से भी आ जाएगी। चलो बहुत देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 6G माइनस P1 इज इक्वल्स टू 6A, 6G by 2, so it will be 6G minus T1 is equals to 3G, so it will be 3G is equals to T1. Now for T2, substitute value of A G by 2A, third equation. So from third equation, क्या मिलेगा आपको, 4G minus T2 is equals to 4G upon 2, it will be, so 4G minus T2 is equals to 2G. Your this T2 goes that side and this 2G comes this side. So 4G minus 2G is equals to T2. So it will be 2G is equals to T2. अब यहाँ पे जो टेंशन एक्ट कर रही है that is 2G. Okay? तो ये था हमारा सेकेंड डाइव। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल था, पर डायग्राम आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रही थी और आपको डरा रही थी। अब इसमें डरने वाला कुछ थोड़ी था। देखिए बहुत इजीली हो गया। चलते हैं अपने थर्ड सिस्टम के ऊपर, वो भी बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज माई थर्ड काइंड ऑफ सिस्टम in which the block is placed on a horizontal table and pulley is fixed with the table, right? So अब इसमें क्या है, देखो अब सबसे इसको solve करने के लिए सबसे पहले अगेन वही method लगाएंगे कि कितनी तरह की forces किस block पे लग रही है, सारी locate कर लो। So this block is of 5 kg and this is of 10 kg. तो 5 kg block के ऊपर दो forces लगने वाली है, एक लगने वाली है 5G और एक इसके ऊपर लगने वाली है tension due to this rope. अब देखिए ये जो rope है ये same है, तो जितनी टेंशन इसमें लगेगी सेम टेंशन विल बी एक्टिंग इन दिस, ओके? सो दिस इज टी। नाउ अब आते हैं अपने इस 10 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर। अब देखिए इसका जो वेट है दैट विल एक्ट डाउनवर्ड, कोई भी बॉडी है उसका जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, ठीक है? ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, किसी को धक्का नहीं मारती, ठीक है? अब देखते हैं, अब ये जो सरफेस है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम किसी सरफेस पे फोर्स लगाएंगे तो सरफेस हमारे को वापस एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। मतलब अगर मैं मेरा ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो मेरी जो फोर्स है ये सरफेस वापस ब्लॉक की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स देगा, से दैट फोर्स भी नॉर्मल रिएक्शन आर, ओके? नाउ अब इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन है, द सिस्टम इज मूविंग इन दिस वे। सो लेट्स फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सबसे पहले वही इक्वेशन बनाते हैं, शुरू करते हैं यहां से। क्या इक्वेशन बनेगी, 5G माइनस T इज इक्वल टू 5A, 5G माइनस T इज इक्वल टू 5A एंड व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन विल बी, अब देखिए ये R और जो 10G है, अब मेरा ब्लॉक मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली तो ये फोर्सेस लग रही है वर्टिकल में, तो इनका क्या काम है यार, छोड़ दो इसको। तो अब देखो क्या बनेगा ये, इट विल बी, अब देखो टेंशन बढ़ी है, मेरा सिस्टम इधर जा रहा है लेकिन इसके पीछे तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो बड़ी छोटी का क्या काम, जाने दो। अब T किसके इक्वल आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 10A, राइट? तो देखो यहां से आपकी टेंशन डायरेक्टली आ गई 10A। अब इस टेंशन को यहां पुट कर दो, काम खत्म। चलिए सो इट विल बी 5G माइनस 10A इज इक्वल टू 5A, 5G इज इक्वल टू 10A प्लस 5A, इट विल बिकम 15A,
5G. Now you have to find out A. देखो कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, है ना, बहुत ज्यादा ही मुश्किल था कुछ. 5G upon 15 is equals to A. 5 ones are 5, 5 threes are 15. So acceleration comes out to be 1/3. Okay students, तो ये थी मेरी acceleration की value. अब मेरे पास टेंशन मुझे निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सिंपली योर टेंशन विल बी नाउ टी विल बी 10A, 10 इनटू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 1/3g. सो योर एक्सेलरेशन इज, सो योर टेंशन इज 10g/3. चलते हैं हम अपने अगले सिस्टम के ऊपर, अपने चौथे सिस्टम पे, और देखते हैं उसमें क्या थोड़ी बहुत चेंजेस हैं और क्या उसमें नई ट्रिक यूज हो रही है. तो करते हैं और निकालते हैं अपना क्वेश्चन. देखिए स्टूडेंट्स, ये है मेरा अगला सिस्टम जिसमें मेरे पास एक ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है और इंक्लाइंड के बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने पुली लगा रखी है और वहां से मास मेरा नीचे लटक रहा है. एंड दिस 5 kg मास इज ब्रिंगिंग दिस 2 kg अपवर्ड, राइट. सो अब इसके ऊपर क्या फोर्सेज लग रही है पहले वो रिप्रेजेंट करेंगे. और एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा, मतलब जो केस हमने इससे पहले किया, और ये जो केस है दिस इज द केस फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस. अगर फ्रिक्शन होगा तो मेथड कुछ और होगा, ये जो मेथड है दिस इज फॉर द फ्रिक्शनलेस सरफेस. ओके, मतलब सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. सो 5 के ऊपर फोर्स लग रही है 5g एंड दिस 2. अब इसके ऊपर देखो जो वेट लगेगा दैट विल एक्ट एग्जैक्टली डाउनवर्ड, जो इंक्लाइंड की वजह से डाउन हुआ है, ठीक है, जो इंक्लाइंड की वजह से बिल्कुल इस तरफ लग रहा है दैट इज 2g. बट इन रियलिटी जो एक्चुअल पोजीशन में लगना चाहिए था वो कुछ इस तरह से था और बिल्कुल स्ट्रेट जो है इसके ऊपर अब नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा बिकॉज सरफेस है, सरफेस के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है और अगर मेरा ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो सरफेस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन लगाएगा. अब देखिए ये जो मेरा एंगल है दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि ये जो मास है अगर बिल्कुल सरफेस पे होता तो एंगल होता 0 डिग्री. अगर मैंने अपने सरफेस को लिफ्ट कर दिया 30 से तो मास भी तो 30 से लिफ्ट हुआ है, और ऑटोमेटिकली अगर मास 30 से लिफ्ट हुआ है तो वेट भी 30 से शिफ्ट हुआ है. तो दिस इज माई 2g cos थीटा. रिजोल्व कर रहे हैं फोर्स को, वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स को रिजोल्व कर दिया. इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही है. दिस इज माई बेस कॉम्पोनेंट, दिस इज माई परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, इट विल बी 2g sin थीटा, राइट. sin थीटा मीन sin 30 एंड cos 30. नाउ माई फोर्सेज हैज बीन रिजॉल्व एंड द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व. अब देखिए ब्लॉक की मोशन है अपर डायरेक्शन में, तो ये चीजें काउंट नहीं करूंगा मैं. आर जो है वो 2g cos 30 के इक्वल है, इक्वेशन जरूर है लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है. एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसकी इस डायरेक्शन में, तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं. इक्वेशन विल बी 5g minus t इज इक्वल्स टू 5a एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी t इज ग्रेटर, तभी t इसको आगे खींच के लेके जा रहा है, t minus 2g sin 30 विल बी इक्वल टू 2a, राइट. ओके, so sin 30 is 1/2, so this equation will be into 1/2 and 2 will to cancel out, it becomes 2a, it will be t minus g is equals to 2a. This is my equation 1 and this is my equation 2. अब इन दोनों equations को add कर दो, बचा क्या है, कुछ भी नहीं. Adding 1 and 2 बहुत simple है, add कर दिया तो क्या बन गया, देखिए ये t से t cancel out हो जाना है, 5g minus g equals to 5a plus 2a 7a, so it will be 4g is equals to 7a and acceleration will be 4/7g. This is my acceleration. अब मुझे निकालनी है टेंशन की वैल्यू, तो टेंशन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, टेंशन निकल आएगी. वेरी सिंपल, पुट इन इक्वेशन 1, क्या बनेगा, पुट इन इक्वेशन 1 इट विल बी 5g माइनस t इज इक्वल्स टू 5 4s are 20, राइट. सो अब ये t को उस तरफ ले जाते हैं, 20 और 7 को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास, इट विल बी 5g माइनस t इज इक्वल्स टू 20/7g. सो इट विल बी 5g माइनस 20/7g इज इक्वल्स टू t. अब जब एलसीएम लेंगे नीचे आएगा 7, 5 7 35, 5g minus 20g इक्वल टू t, तो 35 माइनस 20 हो गया 15, 15/7
15 अपॉन 7 जी इज इक्वल टू पी. सो बट वी हैव कैलकुलेटेड बोथ आर एक्सेलरेशन एंड बोथ आर टेंशन वेरी इजिली. तो अब अगर इस इक्वेशन में फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं. अब देखिए, अगर तो हमारे सिस्टम में फ्रिक्शन है तो उसका कुछ ना कुछ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा. कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी, 0.1, 0.2, 0.3, कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो आपको दी जाएगी, ठीक है. और उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय म्यू इनटू आर. उस केस में ये जो अपना आर है 2g cos 30 ये काम में आएगा, ठीक है. सो एफ विल बी इक्वल टू म्यू 2g cos 30 degree, राइट. अब फर्स्ट इक्वेशन में तो देखो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा क्योंकि वो बेचारा तो किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में है नहीं. तो अब क्या होगा, जो सेकंड ब्लॉक वाली इक्वेशन है, आवर सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन का तामझाम था. अब देखते हैं इसको क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी इस इक्वेशन के अंदर. तो फिर सारी वैल्यूज जो है चेंज हो जाएंगी. मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, बाकी रेस्ट जो कैलकुलेशन है वो आप खुद से करके चेक कर लेना और नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना इसकी एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है. तो चलते हैं, देखो इक्वेशन बनाते हैं. अब इक्वेशन क्या बनेगी, इट विल बी टी माइनस 2g साइन 30. अब हमें भी ये अच्छी तरह से पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में. मीन्स अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट बिहाइंड, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी ना फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की डायरेक्शन में. तो टी माइनस 2g sin 30, एक चीज और माइनस हो जाएगी जो फ्रिक्शनल फोर्स उसको वापस खींच रही है. सो माइनस एफ इट विल बी इक्वल टू 2a. सो दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन. अब यहां पे एफ की आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो और आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपल न्यूमेरिक्स जब आप पुट करोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा. अब यहाँ पे म्यू देके डर नहीं जाना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी गिवन होगी. सो इट विल बी 2μg cos 30 2a. अब जब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिखना है तब आप म्यू की वैल्यू लेंगे 0.3. जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको आप 0.3 कंसीडर करके टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है. हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स. तो चलते हैं हम अपने अगले सिस्टम के ऊपर. कैसा सिस्टम है अगला, अगले में हम दूसरा जो ब्लॉक है उसको भी इंक्लाइंड के ऊपर प्लेस कर देंगे. चलिए देखते हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट टाइप. तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा. अब देखिए इसके अंदर दोनों जो ब्लॉक्स हैं दे आर प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, राइट. तो अब इस केस में क्या है, जो मेरा मोशन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, जो एक्सेलरेशन है सिस्टम की दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और ये जो ब्लॉक है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए. अब देखिए ये जो रोप है सिंगल काइंड ऑफ रोप, टेंशन टी एक्ट करेगी दोनों तरफ ही. तो अब हम इसकी ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस है वो लिखते हैं. अब देखिए ये जो वेट है ये वैसे तो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए था और अब लग किस डायरेक्शन में रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो क्या आएगा ये, इट विल बी 30g, राइट. तो दिस एंगल इज 60 डिग्री. जैसे हमने पीछे बताया था कि वेट जो है 60 डिग्री के एंगल से लिफ्ट हुआ है, तो ये जो उसकी वेट वाली एक्सिस है वो भी 60 डिग्री से शिफ्ट हो गई. देखिए ये जो इसका कंपोनेंट है ये वाला 30g cos 60 एंड दिस इज इसके ऊपर लगेगा रिएक्शन आर. इस तरफ जो इसका कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट विल बी 30g sin थीटा, और इस डायरेक्शन में सिमिलरली ये 50 वाले के ऊपर भी ऐसे कुछ होगा. इस तरफ लग रहा है 50g और इस तरफ लगेगा 30 डिग्री 50g sin 30, ठीक है. और इस तरफ लगेगा 50g cos 30 50g sin 30, ठीक है. अब हम इस दो पर लगने वाली फोर्सेस से इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू 30g
कॉस 60, एक इक्वेशन यहाँ की मेरे पास 30 जी कॉस 60। अब देखिए मैंने अपनी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ली है, अब यहाँ भी एक आपको जादू दिखाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने तो फिर आपको एक जादू दिखेगा, देखना आपको अपने आप पता चलेगा कि एक्सेलरेशन सही है कि गलत है। आप देखो, अब देखो यहाँ पे है इस 30 वाले ब्लॉक के लिए लगाते हैं पहले, इस तरह मूव कर रहा है तो टेंशन ग्रेटर है, टी माइनस 30 जी साइन 60 विल बी इक्वल्स टू 30 ए एम ए। तो अब ये क्या बनेगा, टी माइनस 30 रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है जी इज इक्वल्स टू 30 ए, सो इट विल बी टी माइनस 15 रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी जी 30 है। ये आ गई एक इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, वो क्या बनेगी, फॉर 50 इट विल बी 50 जी साइन 30 माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 50 ए, ठीक है। अब यहां पे देखो जो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होता है, रूट 3/2 साइन 30 होता है 1/2। ओके, अब देखो आगे क्या होगा, साइन 30 जैसे 1/2 आ गया तो इट विल बी 25 जी माइनस टी इज इक्वल टू 50 ए, ये आगे मेरी सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, देखो यहां टी प्लस में यहां टी माइनस में, तो सिंपली एड अप कर देते हैं, सो एडिशन करने पे क्या आएगा, एडिंग 1 एंड 2, जब 1 और 2 को आप एड कर देते हो सिंपली टी से टी कैंसिल आउट हो जाना है और ये बन जाएगा 25g माइनस 15√3g एंड इज इक्वल्स टू 80a। रूट 3 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.73, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इट विल बी 25.98 कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इट विल बी 80a। नाउ अब ये जब इसको माइनस करोगे तो इट विल बी 0.98g नेगेटिव में अपॉन 80 इज इक्वल टू ए। अब देखो मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आई, मैंने जो एक्सेलरेशन है, देखो मैंने अज्यूम किया कि इस पुली का मोशन इस तरफ है, इस पुली का मोशन इस तरह से है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, बट इन रियलिटी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई मेरे पास वो नेगेटिव आई, मतलब इस डायरेक्शन में मैं जो एक्सेलरेशन ले रहा था उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब मेरी जो पुली है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। अगर आप मान भी लेते हो किसी दूसरी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, देयर इज नॉट एन इशू, अपने आप से तुम्हें क्वेश्चन बताएगा कि तुमने एजम्पशन जो ली थी उसको सीधा करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 50 वाला ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड नहीं कर रहा, दैट इज गोइंग अपवर्ड, ओके। सो ये आप नीचे मेंशन कर सकते हो, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करोगे इट विल बी 0.012 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब सिमिलर वे से तुम एक्सेलरेशन यहां से पुट करके किसी टेंशन वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास निकल आएगा ए की वैल्यू। तो अब यहां पे देखो मेरे पास ये जो सेकंड इक्वेशन थी, सब्स्टिट्यूटिंग ए इन इक्वेशन टू क्या बनेगा, 25g माइनस टी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.012, प्रोडक्ट करने पे टी उधर चला जाएगा, ये टर्म इधर आ गई, 25g माइनस प्लस हो गया ये, सो 50 ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 50 इंटू 0.012 आप कर देते तो कितना आएगा, इट विल बी 0.6, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली अगर आप 10 लेते हो तो ये 250 हो जाएगा, 250 प्लस 0.6 इज इक्वल टू टी, क्योंकि जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 और 9.8 अगर आप लोगे तो फिर वो पॉइंट्स में आएगा, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 250.6, ये टेंशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 250.6 न्यूटन आ रही है, ठीक है, इतनी टेंशन लग रही है और दैट इज द एक्सेलरेशन। और अब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तुम्हारी, यहाँ नेगेटिव वैल्यू ने बता दिया कि एक्सेलरेशन जो है इन एक्चुअल 50 इज स्लाइडिंग अप, 50 केजी ब्लॉक इज स्लाइडिंग अप एंड 30 केजी ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन। ये भी होगी मेरी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, चलिए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप इतने सारे न्यूमेरिकल्स किए तो वो एक आधा क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए, पूछे आप अगला क्वेश्चन अपना। स्टूडेंट्स दिस इज माय प्रॉब्लम, इसके अंदर मैंने क्या किया है, दोनों ब्लॉक्स को
सरफेसेस के ऊपर रखा, एक बड़ा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और दूसरा बड़ा इंक्लाइन के ऊपर। अब देखो फिर से वही रोप सेम है तो टेंशन आएंगी टी और टी, इसकी टेंशन अपर डायरेक्शन में, इसकी टेंशन इस डायरेक्शन में, तो अब इसका वेट लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज 10g, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्योंकि एंगल है 30 डिग्री, सो इट विल बी 10g cos 30, एंड इन दिस डायरेक्शन 10g sin 30, राइट। तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा आर, तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और इसके भी लगेगा नेचुरली, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आर डैश, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम जनरली आर और आर डैश वाली इक्वेशंस को भी कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा जो सरफेस है दैट इज फ्रिक्शनलेस, तो अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा तब ये चीजें काउंट में आएंगी, सो इट विल बी 5g, राइट। सो ये आर इज इक्वल टू 5g, इसको भी मैं कंसिडरेशन में नहीं ले रहा, और आर डैश इज इक्वल टू 10g cos 30, इसको भी मैं कंसिडरेशन में नहीं ले रहा क्योंकि ये चीजें मेरे काम की नहीं है। अब देखिए सपोज कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, हमें पता नहीं है, वैसे मैं सपोज कर रहा हूं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर ये 10g sin 30 बड़ा है तभी वो दूसरे ब्लॉक को आगे खींच रहा है, 10g sin 30 - t = 10a sin 30 इज अगेन 1/2, सो इट विल बी 5g - t = 10a, नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट इक्वेशन। अब बारी आती है इसकी, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन, इस डायरेक्शन में कुछ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स होती, अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन होता तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन कंसिडर कर सकते थे, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो टेंशन और सिंपल टेंशन रहेगी, और क्या आएगा यहाँ पे, इट विल बी 5a, राइट। अब तुम्हें निकालना क्या है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, आपको निकालना है टेंशन और एक्सेलरेशन, इस टेंशन की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन वन, क्या बनेगा देखो, 5g - 5a = 10a, सो ये 5a को इस तरफ लेके आना है, शिफ्ट दिस हियर, सो इट विल बी 5g = 15a, एंड हेंस a विल बी इक्वल टू 5g/15, और यू कैन से g/3, सो योर एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी g/3, सो इफ a इज इक्वल टू g/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, सिंस p इज इक्वल टू 5a फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सो 5 में सिंपल g/3 पुट कर दो, a की वैल्यू, सो इट विल बी 5g/3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर टेंशन। तो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकल गई और मेरे जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से निकल गए। देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम्स देखने में डिफिकल्ट है पर न्यूमेरिकल्स आराम से हो रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स करवाए उसमें पुली आपकी फिक्स थी और सिंगल पुली थी। अब मैं अगले लेक्चर के अंदर, अपनी अगली वीडियो के अंदर पुलिस को बढ़ा दूंगा, पहले मैं रखूंगा पुलिस को फिक्स और फिर पुलिस को मैं मूवेबल कर दूंगा, जो पुलिस है ये मेरी पुलिस, इनको मैं मूवेबल भी कर दूंगा और इनका नंबर भी बढ़ा दूंगा। पहले मैं शुरू करूंगा सिर्फ इनका नंबर बढ़ा के आपकी जो पुलिस है उनको फिक्स रखूंगा, फिर उसके बाद आपकी वो जो पुलिस है उनको फिक्स की बजाय मूवेबल कर दूंगा, और फिर उसके बाद आपका जो पुली कंसेप्ट है वो टोटली कवर हो जाएगा और उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दिस इज आवर कंसेप्ट स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है और टॉपिक अच्छा लगा, इजी लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अंदर, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।